हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। हम बीएड के सिक्स सेमेस्टर की पैडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स HOTS, शॉर्ट में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को HOTS बोलते हैं, HOTS। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज HOTS, ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड HOTS, एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी इन द क्लासरूम, एंड थ्री पार्ट्स, मेन पार्ट्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन HOTS। HOTS इज ए कंसेप्ट पॉपुलर इन अमेरिकन एजुकेशन। इट डिस्टिंग्विशेज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फ्रॉम लो ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स सच एज दोज अटेंड बाय रोट मेमोराइजेशन। HOTS इंक्लूड synthesizing, analyzing, reasoning, comprehension, application and evaluation. HOTS is based on various taxonomies of learning, particularly the one created by Benjamin Bloom in his 1956 books Taxonomy of Educational Objectives, the Classification of Educational Goals, जो बेंजामिन ब्लूम्स है, इन्होंने HOTS को पॉपुलर बनाया इन अमेरिका में और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था अमेरिका की जो टीचिंग वो एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर। और इन्होंने एक बुक लिखी थी 1956 में, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाई द टॉप थ्री लेवल्स इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड HOTS। Bloom's taxonomy is taught in a majority of teacher education program in the United States. जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अधिकतर टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसको पढ़ाया जाता है HOTS के ऊपर। As such, it may be among the most well-known educational theories among teachers nationally. As the curriculum and leadership journal notes, while Bloom's taxonomy is not the only framework for teaching thinking, it is the most widely used and subsequent frameworks tend to be closely linked to Bloom's work. Bloom's aim was to promote higher forms of thinking in education, such as analyzing and evaluating, rather than just teaching students to remember facts or rote learning. Bloom taxonomy was designed with six level of promote higher order thinking. The six levels were: first level is knowledge, second comprehension, third application, fourth analysis, fifth synthesis and evaluation. The taxonomy levels were later revised
as remembering, understanding, applying, analyzing, revising and creating. जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें ब्लूम्स ने जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के 6 लेवल्स दिए थे, नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवल्यूशन. बाद में इनको रिवाइज करके रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, रिवाइजिंग एंड क्रिएटिंग कर दिया. टॉप 3 लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच इज ऑफ्टन डिस्प्लेड एज ए पिरामिड. जो ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी के 6 लेवल बताए थे उन्हें पिरामिड के रूप में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, पिरामिड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे ऊपर टॉप में बॉटम में रहेगा नॉलेज एंड टॉप पे रहेगा एवेल्यूएशन विद असेंडिंग लेवल ऑफ थिंकिंग. एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर आर एनालाइजिंग, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन. दीज लेवल्स ऑफ द टैक्सोनॉमी आर इन्वॉल्व क्रिटिकल और हायर ऑर्डर थिंकिंग. स्टूडेंट हु आर एबल टू थिंक आर दोज हु कैन अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स दे हैव लर्न टू न्यू कॉन्स्टेंट्स. लुकिंग एट ईच लेवल डेमोन्स्ट्रेशन हाउ हायर ऑर्डर थिंकिंग इज अप्लाइड इन एजुकेशन. इसमें ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में पता लगता है कि जो हायर लेवल पे जो थिंकिंग है वो कैसे लागू होती है स्टूडेंट्स के ऊपर, और टीचर जो पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसके बीच में किस प्रकार से, किस तरीके से ये लागू होती है, एप्लीकेबल होती है. ब्लूम टैक्सोनॉमी इन द क्लासरूम. जो ब्लूम्स ने 6 लेवल्स बताए थे उसे हम एज ए पिरामिड प्रेजेंट करें तो सबसे बॉटम में रहेगा नॉलेज, फिर आएगा कॉम्प्रहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस, देन एवेल्यूएशन. एवेल्यूएशन टॉप जो 3 लेवल्स है ब्लूम्स के वो है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन. ये तीनों टॉप पे रहेंगे. और जब इनको रिवाइज करके दूसरा रिवाइज किया गया था, इनके ब्लूम्स के जो 6 लेवल्स को रिवाइज किया गया तो उसके में उसका लेवल चेक करें, उसके सीक्वेंस देखें अगर एक पिरामिड में, तो रिमेंबरिंग सबसे बॉटम पे, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर अप्लाइंग, उसके एनालाइजिंग, उसके ऊपर एवेल्यूएटिंग एंड इसके ऊपर क्रिएटिंग. अब हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स के जो टॉप 3 लेवल्स जो डिस्कस किए थे और ब्लूम ने दिए थे वो है एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन. कि एवेल्यूएशन क्या है, सिंथेसिस क्या है, एनालिसिस क्या है. एनालिसिस, इन एनालिसिस द एनालिसिस 4th लेवल ऑफ ब्लूम पिरामिड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स यूज देयर ओन जजमेंट टू बीइंग एनालाइजिंग द नॉलेज दे हैव लर्न. जो स्टूडेंट ने जो सीखा है, स्टूडेंट्स को जो टीचर ने जो पढ़ाया है या खुद से उसने सीखा है उसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया जाएगा एनालाइजिंग में. एट दिस पॉइंट दे बिगैन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन. इसमें हम एनालिसिस करेंगे जो स्टूडेंट्स ने सीखा उसके थ्रू वो फैक्ट एंड ओपिनियन के बीच में अंतर करना सीखा है, एबिलिटी आई है नहीं आई है उसमें, ये चेक किया जाएगा. सम एग्जांपल्स ऑफ एनालिसिस वुड बी एग्जांपल इज एनालाइज ईच स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज फैक्ट और ओपिनियन. एग्जांपल जो एनालिसिस करने के लिए एग्जांपल दिया गया, एनालाइज ईच स्टेटमेंट टू डिसाइड वेदर इट इज फैक्ट और ओपिनियन. कि जो
स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया गया है, कोई कथन है, स्टेटमेंट है, उसके बाद जो उसके फैक्ट के बारे में और उसके ओपिनियन के बारे में स्टूडेंट एनालिसिस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हम एनालाइजिंग करेंगे। ब्लूम्स के जो टॉप थ्री जो लेबल्स है उसमें फर्स्ट है एनालाइजिंग, नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण। सिंथेसिस इज द फिफ्थ लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पिरामिड, रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू इन्फर रिलेशनशिप अमॉन्ग सोर्स सच एज एसेज, आर्टिकल्स, वर्क ऑफ फिक्शन, लेक्चर्स बाय इंस्ट्रक्टर्स एंड इवन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जो सिंथेसिस में रिलेशनशिप बैठाया जाता है, रिलेशनशिप चेक किया जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, ऐसे आर्टिकल्स, वर्क्स ऑफ फिक्शन, लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन आदि का हमने संश्लेषण करना पड़ता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट माइट इन्फर ए रिलेशनशिप बिटवीन वॉट सी हैज रीड इन न्यूज़पेपर, सी या और ही हैज रीड इन ए न्यूज़पेपर और आर्टिकल एंड वॉट सी हैज ऑब्जर्व हर सेल्फ या हिमसेल्फ। भाई इसने अखबार में क्या पढ़ा, क्या आर्टिकल पढ़ा, उसका अनुमान वो लगा सकती है या लगा सकता है कि ये क्या चीज़ है। ओके, द हाई लेवल थिंकिंग्स ऑफ सिंथेसिस इज एविडेंट व्हेन स्टूडेंट्स पुट द पार्ट ऑफ पार्ट और इन्फॉर्मेशन दे हैव रिव्यूड टुगेदर टू क्रिएट न्यू मीनिंग और न्यू स्ट्रक्चर। भाई स्टूडेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसको रिव्यूड किस तरीके साथ में किस तरीके से रिव्यूड किया है और क्रिएट किया है और नया मीनिंग और नया स्ट्रक्चर क्या उसने बनाया है, ये सिंथेसिस किया जाएगा। एट द सिंथेसिस लेवल स्टूडेंट्स मूव बियॉन्ड रिलाइंग ऑन प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन और एनालाइजिंग आइटम्स दैट अ टीचर इज गिविंग टू दैम। जो जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस लेवल है, स्टूडेंट के द्वारा सीखी गई जो इन्फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड है, या फिर टीचर उन्हें जो सिखा रहे हैं या विश्लेषण, या फिर उनका जो टीचर इनको पढ़ा रहे हैं उसका है, संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, सम क्वेश्चंस इन द एजुकेशनल सिटिंग्स है सिटिंग्स दैट वुड इन्वॉल्व द सिंथेसिस लेवल ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग माइट इंक्लूड, इसमें कुछ इंक्लूड रहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉट अल्टरनेटिव वुड यू सजेस्ट फॉर, कि आप क्या विकल्प सुझाएंगे, कोई पॉइंट है उस जैसे कुछ आपने इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़ ली है या कोई कोई टॉपिक है आर्टिकल है उस पर क्या आप लोग क्या सजेस्ट विकल्प अल्टरनेटिव के रूप में क्या सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वॉट चेंजेज वुड यू मेक टू रिवाइज, क्या आप चेंज जो चेंज करेंगे क्या बदलाव उसको रिवाइज करना चाहेंगे, कोई को चेंज है उसको। वॉट कुड यू इन्वेंट टू सॉल्व, क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें सिंथेसिस में होंगी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, लास्ट एंड नेक्स्ट लेवल इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन द टॉप लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज आइटम्स एंड मटेरियल्स। जो इवेल्युएशन है इसमें जो स्टूडेंट्स जजमेंट्स के उसमें आइडियाज आइटम्स और मटेरियल के ऊपर जजमेंट कर सकते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। एट दिस लेवल द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू मेंटली असेंबल ऑल दे हैव लर्न टू मेक इनफॉर्म एंड साउंड इवेल्युएशंस ऑफ द मटेरियल।
इस जो लेवल है ये एवेल्यूएशन का लेवल है, इससे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि जो उनको कुछ सिखाया है, इनको इंफॉर्मेशन दी गई है, उसका वो एवेल्यूएशन करे। सम क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग एवेल्यूएशन माइट बी, फर्स्ट क्वेश्चन इज एवेल्यूएट द बिल ऑफ राइट्स एंड डिटरमाइन विच इज द लीस्ट नेसेसरी फॉर ए फ्री सोसाइटी, कि आप राइट्स बिल ऑफ राइट्स का एवेल्यूएशन करें और डिटरमाइन करें कि हमारी फ्री सोसाइटी के लिए लीस्ट नेसेसरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटेंड ए लोकल प्ले एंड राइट ए क्रिटिक ऑफ एक्टर्स परफॉर्मेंस, आप अटेंड लोकल प्ले को एक कहीं भी अटेंड करें और अटेंड करने के बाद जो एक्टर का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर कुछ उसकी आलोचना क्रिटिसाइज किया जाए उसको। नेक्स्ट इज विजिट एन आर्ट म्यूजियम एंड ऑफर सजेशंस ऑन वे टू इम्प्रूव ए स्पेसिफिक एग्जिबिट्स, जो स्टूडेंट्स एक आपका म्यूजियम में जाए और उसके जो स्पेसिफिक एग्जिबिट्स है उनको इम्प्रूव करने के ऊपर सजेशंस दे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हॉट्स इन स्पेशल एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स, भाई स्पेशल एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स के लिए हॉट्स में क्या क्या है, क्या नहीं है, उसका सुधार ला सकते हैं एजुकेशन में, स्पेस विशेष एजुकेशन में हॉट्स के थ्रू। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशनल प्रोग्रामिंग दैट इंक्लूड्स हॉट, जो बच्चे सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें हॉट्स में शैक्षिक प्रोग्राम जो जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम उनको हॉट्स में इंक्लूड किया जाए। ट्रेडिशनल एजुकेशन है फेवर्ड द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्पेशली अमॉन्ग एलिमेंट्री स्कूल एज चिल्ड्रन ओवर द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एडवोकेट्स बिलीव दैट विदाउट ए बेसिक इन थिंकिंग बेसिक इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट कुड नॉट लर्न द स्किल्स दे विल नीड टू सर्वाइव इन द वर्क वर्ल्ड। बिना जो एडवोकेट्स होते हैं वो वकालत करते हैं कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उनके बिना स्टूडेंट्स स्किल्स नहीं सीख सकते हैं, उन्हें ये वर्क वर्ल्ड में सर्वाइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स माइंडेड एडुकेटर्स मीनवाइल सी द एक्विजिशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हायर ऑर्डर थिंकिंग टू बी एसेंशियल टू दिस वेरी आउटकम्स। रिफॉर्म माइंडेड करिकुलम सच एज द कॉमन कोर हैव बीन एडॉप्टेड बाई ए नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्टेन अमेड कॉन्ट्रोवर्सी फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन एडवोकेट्स एट हार्ट दीज करिकुलम एम्फेसिस हॉट्स ओवर स्ट्रिक्ट रोट मेमोराइजेशन एज द मीन्स टू हेल्प स्टूडेंट अचीव देयर हाइएस्ट पोटेंशियल। हॉट्स के थ्रू उनकी हायर जो स्किल्स है उन्हें उनके अचीव करने में मदद करनी चाहिए, कठोर से कठोर रटने, ठीक है। हॉट्स में ये इम्प्रूवमेंट्स जो हॉट्स है हॉट ऑर्डर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसमें क्या स्टूडेंट्स की रोट लर्निंग को छोड़ के उसके स्किल्स को इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसकी जो एबिलिटी है याद करने की, रटने की नहीं याद करने की, उनको इम्प्रूव किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसमें बताया गया है। इन्होंने एक पिरामिड बताया है, इस पिरामिड के थ्रू इन्होंने 6 लेवल्स बताए हैं, वो नॉलेज कॉम्प्रहेंसिव एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन। जो टॉप एंड टॉप लेवल्स में 3 टॉप जो इनके लेवल्स है वो एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवेल्यूएशन। हमने तीनों के ऊपर डिस्कशन किया कि एनालिसिस
कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सिंथेसिस में क्या क्या होगा और एवेल्यूएशन में क्या होगा। तो आज हमने हॉट्स के ऊपर चर्चा की, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।